सूरज, तेरे को तमीज नहीं है? मैंने तेरे को कहा था ना कि मार्केट से जाकर के दूध और केले लेकर के आ, तेरे को पता है कि मेरा फास्ट है, मैं यहाँ भूख से तड़प रही हूँ और तू यहाँ मस्ती करने में लगा हुआ है। मैडम मैं तो जा ही रहा था, तो साहब आ गए और उन्होंने बोला कि गाड़ी साफ कर दे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं गाड़ी साफ करने लग गया था। बहाने मत बना, मैं तुझे अच्छे तरीके से जानती हूँ, तू मुझे व्रत में भूखा मारना चाहता है ना? नहीं मैडम, मैं बहाने क्यों बनाऊंगा, वो तो मुझे साहब ने बोला था गाड़ी साफ करने के लिए। अरे क्या हुआ रिंकी, तू सूरज से बहस क्यों कर रही हो? देखो ना, मैंने इसे कहा था कि मार्केट से जाकर के दूध और केले लिया है, लेकिन ये यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे यार उसकी गलती नहीं है, उस बेचारे ने तो मुझे कहा था कि मैम ने कहा है कि जाके दूध और केले लेके आने हैं। मैंने उसको कहा था कि पहले एक काम कर, तू गाड़ी साफ करते, ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, तुझे मार्केट में छोड़ दूंगा। अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे चल छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, तुम एक काम करो, मैं शाम को आता हूँ, तुम मेरे को शाम को मिलना। सूरज आ जा गाड़ी में बैठ जा बेटा। बाबूजी से कि बड़े भैया के घर चले जाएं? यार तुमको पता है ना, रिंकी भाभी बाबूजी को पसंद नहीं करती हैं और बाबूजी भी रिंकी भाभी को पसंद नहीं करते हैं। तो ठीक है ना, शिमला की टिकट कैंसिल ही कर देते हैं, नहीं जाना। यार तुम एकदम से कोई डिसीजन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, बाबूजी से बात करता हूँ मैं। सूरज ये बेटा पैसे ले ले, एक काम करियो, धूप बहुत पड़ रही है, तू रिक्शे से आ जियो। ठीक है साहब। अरे क्या हो गया बेटा, सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी सब कुछ ठीक है, लेकिन अंकित को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या बात करनी है? बाबूजी हमारा ना शिमला जाने का प्लान है, तो अंकित चाहता है कि आप कुछ दिनों के लिए विनय भैया के यहाँ चले जाएं। ठीक है बेटा, बस इतनी सी बात? ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों घूमने जा रहे हो, और काफ़ी टाइम हो गया मैं विनय बेटा से मिला नहीं, मुझे उसकी याद भी आ रही थी, मैं चला जाऊँगा उसके घर। तो ठीक है बाबूजी, मैं विनय भैया को फ़ोन करके बोल देता हूँ, वो आपको ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद कॉल कर दूंगा उसे। ठीक है बाबू। अभी तक आया नहीं ये कुत्ता, पता नहीं कहाँ मर गया, यहाँ मेरी हालत ख़राब हुई जा रही है भूख से। आने दो आज इसको, इसकी खाट खड़ी नहीं कर दी ना मैंने तो मेरा नाम रिंकी नहीं। अरे बाप रे कितनी गर्मी है, साहब ने तो पैसे दिए थे कि रिक्शा से घर चला जाऊँ, लेकिन छोड़ो हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो आदत है धूप में चलने की और गर्मी सहने की, साहब के पैसे क्यों बर्बाद करूँ। एक काम करता हूँ, उन्हें शाम को पैसे वापस ही कर दूंगा। ये बुढ़ापा भी ना कितनी तकलीफ देता है, इंसान दूसरे के सहारे पे मौजूद हो जाता है। अब अंकित अनामिकाओं को भी क्या गलत कहूँ, अब इन दोनों बेचारों को भी घूमने जाना था तो मेरी वजह से अपनी खुशियाँ क्यों मारें, रह लूँगा। बाबूजी नमस्ते। हाँ नमस्ते विनय बेटा, कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया बेटा। अच्छा बेटा तेरे से एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना बाबूजी। वो बेटा तेरा छोटा भाई अंकित और उसकी वाइफ अनामिका, वो एक हफ्ते के लिए ना बाहर घूमने जा रहे थे, तो मुझे तेरी याद भी आ रही थी तो मैंने सोचा तेरे पास आ जाऊँ एक हफ्ते के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद बाबूजी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मैं तो खुद आपको कॉल करने वाला था, बोलने वाला था कि थोड़े दिन के लिए मेरे घर पे रहने के लिए आ जाइए, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। एक काम करता हूँ, मैं शाम को आपको ना ऑफिस से घर जाते हुए पिक कर लूँगा। ठीक है बेटा, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। ठीक है बाबूजी, नमस्ते।
आ गया कुत्ता, अब बताऊंगी इसको। आ गया तो कुत्ते कहाँ मर गया था? यहाँ भूख से मेरी जान निकली जा रही थी। सॉरी मैम साहब, वो मैं पैदल आ रहा था, वो मार्केट बहुत दूर है ना। साहब ने तो पैसे दिए थे ई रिक्शा से आने के लिए, लेकिन मैंने सोचा हाँ यही ना कि ये पैसे अपनी जेब में डाल लूँ। नहीं नहीं मैम साहब, वो तो मैं साहब को ये पैसे वापस करने वाला था। ला ये पैसे इधर दे और बाहर जाके मुर्गा बन जा। लेकिन मैम साहब। क्या मैम साहब, जा बाहर जाके मुर्गा बन जा, वो भी धूप में, तभी तुझे पता लगेगा कि मुझे भूखा मारने का नतीजा क्या होता है। मैडम मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। तो फिर निकल जा मेरे घर से बाहर और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। ठीक है मैम साहब, मुझे अभी अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है, वो तो साहब बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं रुका हुआ था, जा रहा हूँ मैं। अच्छा बाबूजी, मैं क्या कह रहा था, मैं बाहर जा रहा हूँ और जब विनय भैया आएंगे आपको लेने तो मैं हूँगा नहीं, तो आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो बता दो, मैं आपको दे दूँगा। नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं। अच्छा पक्का ना बाबूजी? हाँ बेटा। चलिए बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। ओके। वाह, अभी इस बुड्ढे को भी साथ लिया है। वैसे ही सूरज नौकरी छोड़ के चला गया था, अब घर का सारा काम तो करना ही पड़ेगा, ऊपर से इस बुड्ढे की खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते रिंकी बेटा। विनय, तुमने बताया नहीं कि बाबूजी आ रहे हैं। अरे वो क्या नाम है, बाबूजी का कॉल आया था, इन्होंने बताया कि अंकित और अनामिका घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक हफ्ते बाबूजी क्या करेंगे, हमारे साथ ही रह लेंगे, काफी दिन से आए भी नहीं थे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, आइए बाबूजी अंदर आइए। खुद तो ये दोनों घूमने चले गए और इस आफत को मेरे सर पे छोड़ के चले गए। अरे सूरज बेटा, दो गिलास पानी लिया, गर्मी बहुत है। सूरज तो नौकरी छोड़ के चला गया। क्या? हाँ, और वो कह रहा था कि दोबारा यहाँ पे कभी वापस नहीं आएगा। पर क्यों? मुझे क्या पता, शायद उसको अपनी सैलरी बढ़वानी होगी, इसलिए इतने नखरे कर रहा था। चलो ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। बाबूजी एक काम कीजिए, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं ये बैग रख देता हूँ। अरे यार ऑफिस से मैं इसलिए जल्दी निकल गया, तो मुझे बाबूजी को घर लेके जाना था, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, काम निपटा दूंगा मैं। हाँ बस आ रहा हूँ। विनय कॉफी पी लो। अरे नहीं यार मैं नहीं पी रहा, मुझे ना ऑफिस के काम से जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है तुम ही पी लेना इससे। अरे क्या हुआ रिंकी बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं बाबूजी, वो सर में बहुत दर्द था मेरे। तो बेटा दवाई वगैरह ली? हाँ बाबूजी, दवाई तो ली थी, लेकिन थोड़ा सा भी आराम नहीं हुआ। और देखो ना, सूरज भी जॉब छोड़ के चला गया है, किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं, अब वो सब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो, वो बर्तन मैं धो दूँगा। ठीक है बाबूजी।
हाँ बेटा। ये कैसे बर्तन धोए आपने? देखिए अभी भी पूरा का पूरा ग्लास गंदा है। अगर आपको बर्तन नहीं ही धोने थे या फिर इस तरीके से धोने थे तो नहीं ही धोते ना, बहाना करने की क्या जरूरत थी? अब सारे के सारे बर्तन मुझे वापस से धोने पड़ेंगे। अरे बेटा अब वो उम्र हो गई ना तो थोड़ा ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा गंदा रह गया होगा बेटा। थोड़ा? ये थोड़ा है? अंकित और अनामिका क्या आपको एक चश्मा भी खरीद के नहीं दे सकते? अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं दोबारा धो देता हूँ। नहीं जी कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ रिंकी, ये कैसे बात करो तुम बाबूजी से? बाबूजी क्या हुआ आप बताइए मुझे। अरे कुछ नहीं बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बर्तन धो दिए, ये थोड़ा सा गिलास गंदा रह गया तो बहू बस उसे लिए बोल रही है। क्या तूने बाबूजी से बर्तन धुलवाए? रिंकी तुम्हारी हिम्मत कैसी बाबूजी से बर्तन धुलवाने की? और मेरी सूरज से ही बात हुई थी, सूरज ने खुद नौकरी नहीं छोड़ी है, तुमने उसे नौकरी से बाहर निकाला है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ना बुजुर्गों की इज्जत करती हो ना किसी गरीब की लाचारी समझती हो। तुम्हें एक चीज बोलूं, हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि असली भगवान बुजुर्ग ही होते हैं और कल को हमको ही बुजुर्ग होना है। अगर हमारे बच्चे ऐसे करेंगे हमारे साथ तो हमारा क्या होगा, कैसा लगेगा तुम्हें? अब चुपचाप बाबूजी से माफी मांगो। सॉरी बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा कुछ नहीं होता, तुम अपना ध्यान रखो। अब जाओ, जाके बाबूजी के लिए खाना बनाओ, खाने का टाइम हो रहा है, मुझे भी भूख लग रही है और कल से आएगा सूरज काम पर। प्लीज अब उससे ना तमीज से बात करना, कुछ उल्टा मत बोलना। अगर कोई इंसान तुम्हारे पास नौकरी कर रहा है ना तो उस इंसान की मजबूरी होती है, हमें कभी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, समझ रहे ना? चलो बाबूजी आओ ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें। और दोस्तों बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करा करें, इज्जत दिया करें, क्योंकि बुजुर्ग है तो ही हम हैं और कल हम सबको बुजुर्ग होना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।